जय जगन्नाथ। मैं शिवानी चक्रवर्ती। मैं हूँ जगह जगवती। अपने चैनल बॉन्कलिंग फूड टेल्स में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारे कुछ सब्सक्राइबर हमसे पूछ रहे हैं कि स्नान पूर्णिमा की वीडियो अब तक क्यों नहीं आई और 4-5 दिन से वीडियो क्यों नहीं आ रही। हम एक्चुअली बाहर थे थोड़ा, तो इसलिए जहाँ पर भी हम हैं वहाँ पर नेटवर्क की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो, तो वीडियो में अपलोड नहीं कर पाई हूँ। तो आज मैं स्नान पूर्णिमा की वीडियो अपलोड कर रही हूँ और ये है केंदुझर के बलदेव जी टेम्पल का दोपटी भोग। दो लेयर में दो अर्न दिए जाते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है दोपटी। और ये शाल पत्र जो शाल लीफ होता है, कच्चा शाल लीफ, उसमें दिया जाता है। केंदुझर जगन्नाथ मंदिर की जो पूजा पद्धति है वो निराद्री महोदय से ही है। निराद्री महोदय की पूजा पद्धति जगन्नाथ मंदिर की पूजा पद्धति है और दोनों मंदिरों में काफ़ी सारे भोग जो हैं, जो समानता है उसमें देखी जा सकती है, क्योंकि दोनों की पूजा पद्धति एक ही है। और इस मंदिर का जगन्नाथ मंदिर के साथ बहुत ही पुराना संबंध है, क्योंकि जो पुरुषोत्तम देव थे गजपति जी, जिन्होंने कांची आक्रमण किया था बदला लेने के लिए, क्योंकि उनको झाड़ूदार कहा गया था कांची के राजा के द्वारा, तो उनके साथ में जो थे वो केंदुझर के राजा गोविंद भंज गए थे। तो वहाँ पर कांची के जो मंदिर में पूजा होते थे, कांची गणेश और माँ तारिणी दोनों को लाया गया था। कांची गणेश पूरी मंदिर में है और जो माँ तारिणी है वो केंदुझर में है। केंदुझर की देवी हैं वो, केंदुझर की जीवन बन चुकी हैं वो वहाँ पर हैं। और जगन्नाथ मंदिर की तरफ से केंदुझर का जो केंदुझर गढ़ है, वहाँ के राजा को ये अधिकार दिया गया था जगन्नाथ जी की पूजा करने के लिए, लेकिन उन्होंने वहाँ पर बड़ ठाकुर बलदेव जी को मुख्य देवता करके उनकी पूजा करते हैं। और ये उड़ीसा के जो जगन्नाथ मंदिर में जितने सारे बड़े बड़े मंदिर हैं उनमें से एक है। और यहाँ का जो रथ है 2 साल से सबसे बड़ा रथ है, निर्माण कर रहे हैं। तो बलदेव जी का रथ जो है जगन्नाथ मंदिर के रथ से भी थोड़ा बड़ा है और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनका नाम है। तो आज हम वहीं का भोग बना रहे हैं दोपटी। तो चलिए देखते हैं कि दोपटी बनता कैसे है। तो दोपटी बनाने के लिए सबसे पहले जो लेयर लगेगा वो खिचड़ी का लगेगा। और ये जो खिचड़ी है बलदेव जी टेम्पल का, वो बहुत ही स्वादिष्ट है, बहुत ही खास है। मैंने एक बार खाया है मेरे ननद के घर में, क्योंकि मेरे ननद का घर बिल्कुल मंदिर के बाजू में ही है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें देंगे घी। और जो घी अच्छी तरीके से गर्म हो जाए तो उसमें हम देंगे 1 तेज पत्ता, 1 टुकड़ा दालचीनी का और थोड़ा सा जीरा। ये तीनों चीज़ें अभी हमें इस खिचड़ी में देना है। यहाँ पर हमने थोड़ा सा जीरा दे दिया है। तो अभी हमें क्या करना है, इसको अच्छी तरीके से खुशबू आने तक 1-2 मिनट तक हमें इसको इस तरीके से रहने देना और धीमी आंच पर इसको रहने देना है। और उसमें हम डालेंगे मूंग दाल और चावल। यहाँ पर मैंने 1/2 कप मूंग दाल और 1 कप चावल लिया है, ये 1 लेयर लगेगा। और वहाँ पर उड़द दाल की भी खिचड़ी बनती है, मूंग दाल की भी खिचड़ी बनती है, लेकिन दोनों खिचड़ियाँ बहुत ही स्वादिष्ट होती हैं। तो अभी इसको हमने, ये कच्चा मूंग है और इसको हमने अच्छे तरीके से धो दिया है, भिगोया नहीं है, सिर्फ चावल और मूंग दाल को धो दिया है। तो अभी ये जो घी हमने डाला है मसाले के साथ, इसमें अभी हम डाल देंगे इसको। और इसको हमें अच्छी तरीके से भुनना है। जो चावल है, मूंग दाल है, कच्चा मूंग इसलिए जाता है क्योंकि जब ये घी में भुनेगा तो वो अच्छी तरीके से भुन जाएगा। तो अभी हमें चावल और मूंग दाल को अच्छी तरीके से भुनना है, तब तक जब तक इसमें से खुशबू ना आ जाए। जब आप भुनेंगे तो आपको खुशबू आ जाएगी। मैंने जो 2 लेयर इसमें चावल के जाते हैं, पहला लेयर मैंने गोविंद भोग का लिया है और दूसरा लेयर हम देंगे जो नॉर्मल बासमती होता है लंबे दाने वाला, उसको देंगे। आप चाहें तो दोनों लेयर में लंबे बासमती दे सकते हैं या फिर दोनों लेयर में गोविंद भोग दे सकते हैं। अभी इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, उसके बाद देंगे हल्दी और वापस से उसको हम अच्छी तरीके से भुनेंगे। जैसा मैंने कहा कि भुनने के बाद आपको एक खुशबू आएगी इसमें से, और ये खुशबू अब आने लगी है। तो अभी हम इसमें देंगे पानी, लेकिन उससे पहले हम इसमें एक और सामग्री डालेंगे, वो है नारियल। नारियल इसमें अच्छी खासी क्वांटिटी में जाती है, तो नारियल को भी इन सारे सामग्रियों के साथ मिला के आपको भुनना है। हर साल हम रथ यात्रा में जगन्नाथ जी के लिए कुछ अन्न बनाते हैं, खिचड़ी, कानिका, घी अन्न, सादा अन्न। तो इस बार मैंने कुछ अलग दिया है, किसी और मंदिर का दिया है। और ये भी
बहुत ही पुराना मंदिर है और जगन्नाथ मंदिर के साथ ही जुड़ा है। जैसा मैंने सबसे पहले वीडियो में स्टार्टिंग में आपको बताया कि किस तरीके से जगन्नाथ मंदिर के साथ है जुड़ा है और जगन्नाथ मंदिर के परंपरा से ही यहाँ पर भोग बनता है और काफी ऐसे भोग हैं जो जगन्नाथ मंदिर में बंद हो चुके हैं लेकिन इस मंदिर में अभी भी लगते हैं भोग। और एक अन्य भोग यहाँ पर लगता है, बहुत ही खास भोग है ये, मैं आपको रथ यात्रा के दिन या फिर उसके पहले दिन दिखाऊंगी कि वो कौन सा भोग है। इस तरीके के भोग उड़ीसा के मंदिरों में लगते हैं। तो अभी ये अच्छी तरीके से भुन चुका है तो अभी हम इसमें डालेंगे पानी। फिलहाल हम इसमें देंगे 3 कप पानी, यहाँ पर मैं 3 कप पानी दे रही हूँ और उसके बाद हम इसको मिला लेंगे और उसके बाद हम इसको ढक देंगे। और जगन्नाथ मंदिर की तरह इस मंदिर में भी चीनी का इस्तेमाल नहीं होता, गुड़ का इस्तेमाल होता है। तो अभी हम इसको हाई फ्लेम में रख देंगे तब तक जब तक इसमें एक उबाल ना आ जाए, उसके बाद हम इसको और 5 मिनट तक धीमी आंच पे पकाएंगे और जो पहला लेयर होगा दोपोटिका बनके तैयार हो जाएगा। दोपोटिका दूसरा लेयर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक और पैन चढ़ा दिया है, उसमें हम डालेंगे 1 तेज पत्ता और 1 दालचीनी और यहाँ पर हमने लिया है 1/2 कप लंबे दाने वाले बासमती चावल। तब दूसरा लेयर जो कि प्लेन राइस होगा उसको हमने चढ़ा दिया है दालचीनी और तेज पत्ते के साथ। अभी हमें इसको अच्छी तरीके से पकाना है, जिस तरीके से आप चावल पकाते हैं उसी तरीके से बस इसको पकाना है। तो अभी 5 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए कितना पानी सोख कर लिया है, थोड़ा थोड़ा मॉइस्चर अभी है लेकिन ये खिचड़ी बन के तैयार है। ये बहुत ज़्यादा मैशी नहीं होती, खिला खिला रहता है खिचड़ी, से जगन्नाथ मंदिर में खिला खिला खिचड़ी रहता है इसी तरीके से ये खिचड़ी रहता है लेकिन थोड़ा मॉइस्चर इसमें है। इसको हम थोड़ा अभी और ढक देंगे 1-2 मिनट के लिए ताकि ये मॉइस्चर जो है अच्छी तरीके से रिड्यूस हो जाए। तो अभी देखिए ये खिचड़ी बन के तैयार है और जो चावल हमने बनाने के लिए रखे थे दूसरी साइड में वो भी बन चुका है। तो अभी हम क्या करेंगे, उसको एक के ऊपर एक लगाएंगे और जो दोपट्टी है वो बन के तैयार हो जाएगा। तो अभी मैं गैस को ऑफ कर लेती हूँ। तो ये है केंद्रापड़ा के बलदेव जी टेम्पल का दोपट्टी भोग, नीचे है खिचड़ी ऊपर है चावल जिसमें हमने दालचीनी और तेजपत्ता डाला था और ये होल है यहाँ पर, इसके अंदर घी है, इस तरीके से आपको सर्व करना है। तो ये थी आज की हमारी रेसिपी, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप इसके साथ खीर दे रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर खीर नहीं दे रहे हैं तो जब खिचड़ी बनाएं तो इसमें थोड़ा सा शक्कर डाल दें, वो भी खीर के समान ही होगा। तो ये थी आज की रेसिपी, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही, रहते हैं, जय जगन्नाथ, जय महाकाली।